नमस्कार, आप देख रहे हैं आई एस एन 7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पिलखुवा हापुड़ के हर प्लेटफॉर्म पे जाके किस तरह जो DM सर ने आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के और सीट बेल्ट के किसी को तेल नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आपको बता दें, जो डीलर कस्टमर्स को मूलभूत सुविधाएँ देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एयर होती है, RO वाटर, टॉयलेट क्लीन होने चाहिए, हवा अवेलेबल होनी चाहिए, हवा के लिए बंदा भी अवेलेबल होना चाहिए, कई तरह की जो सुविधाएं हैं छोटी मोटी, इनमें बहुत कमियां देखने को मिल रही थी। इसके चलते आज हम पहुंचे हैं पिलखुवा ऑयल कंपनी पर, और जो उसके डीलर हैं अश्विनी शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह से वो DM सर के आदेश को अपने पंप पर फॉलो कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और कस्टमर्स को और आम लोगों को किस तरह से वो मूलभूत सुविधाएँ दे रहे हैं। नमस्कार भैया, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर सभी तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। जो DM साहब की तरफ से है और जो कंपनीज की तरफ से है, हम सभी तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं। और हवा को लेकर भी जब भी कस्टमर आता है, हमारा एक बंदा वहाँ रहता है और हवा देता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कभी कोई तकनीकी कमी आई, उसके कारण कभी रुक गई तो बात अलग है, लेकिन उसको सही करा कर तुरंत हम हवा दी जाती है। नहीं, कुछ नहीं, कोई भी कस्टमर तेल लो या मत लो, जो हमारे यहाँ सुविधा है वो हम सुचारू रूप से देते हैं। हमारे यहाँ RO वाटर लगा हुआ है, जो हमारे यहाँ हमेशा अवेलेबल रहता है। कोल्ड वाटर की हमारी मशीन भी लगी हुई है, हमेशा ठंडा पानी मिलता है गर्मियों में। और हमारे यहाँ सारी सुविधा स्वच्छ हमारा पानी है, बिल्कुल बढ़िया, जिससे बिल्कुल सर्विस कराते हैं, सफाई भी कराते हैं उसकी सभी तरीके से। और जहाँ पानी का हमने दे रखा है, वहाँ पे हम सुचारू रूप से सफाई रखते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से उसको साफ और सुथरा रखा जाता है। बिल्कुल कोई मना नहीं है, ये तो पानी है। पहली बात तो ये गवर्नमेंट के वो है, सबसे पहले तो ये एक धर्म का भी काम है पानी पिलाना, और ये गवर्नमेंट के आदेश हैं, उनका हम पालन करते हैं। जब भी कोई कस्टमर हमें कोई डाउट बताता है कि मुझे डाउट है, या तो फिल्टर पेपर पे है या आपको नाप पर है, तो जिस तरीके की वो हमसे कंप्लेंट करता है, उसी तरीके की हम उसकी सुविधा कराते हैं, डेंसिटी दिलाते हैं, पेट्रोल पे नाप भी चेक कराते हैं, हर तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ कभी भी 24 आवर्स का हमारा पेट्रोल पंप है, और 24 आवर्स हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। नहीं, बिल्कुल साफ रहते हैं टॉयलेट, जगह जगह पर सफाई कर्मी हमारे सफाई करते रहते हैं समय समय पर। गंदे तो ऐसा नहीं होता, कभी अगर बहुत ज़्यादा एकदम बस वगैरह आ जाती हैं, जो टूर की बसेज होती हैं, उसमें एक एक बस में 50-50 100-100 आदमी होते हैं, तो उस वो गंदा तो होता ही है। ऑब्वियसली आप भी को भी पता है, अगर हम भी एक आदमी भी बाथरूम में जाएगा तो भी बाथरूम गंदा हो जाता है। जब उस कंडीशन में अगर बाई चांस उसके बाद कोई आ जाए एकदम और गंदा मिले, लेकिन हम उसको हाथ के साफा भी कराते हैं। बसेज टूर्स की बहुत लगती है, जिसके कारण बहुत गंदगी होती है। बल्कि इसमें हम लोगों को बड़ा एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि जब ये बसेस वगैरह आती है या कुछ भी कोई भी है, अभी अधिकतर हमारे यहाँ बाथरूमों में चोरियाँ बहुत होती हैं। टोटी ले जाते हैं, सिस्टर्न का सामान निकाल कर ले जाते हैं, जिसको जो सामान की ज़रूरत होती है वो ले जाता है, बल्ब ले जाते हैं, और बहुत कॉस्टली होता है, जिसकी हमें हर मंथली कम से कम 5-10 हज़ार रुपये भुगतने पड़ते हैं, जिसका हमारा सारा हमारी जेब पर ही वो पड़ रहा है। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जैसे जैसे प्रशासन कहेगा, हम सुविधाएं भी उसी हिसाब से देते हैं और देते रहेंगे। हम प्रशासन से पीछे नहीं है, क्योंकि हमारा भी जनसेवा का कार्य है। देखो, हम DM साहब का पालन कर रहे हैं, मना करते हैं कस्टमर को जो नहीं आते हैं हेलमेट पे या सीट बेल्ट लगा कर, हम उन्हें मना भी करते हैं और देते भी नहीं हैं। लेकिन बस एक ही दिक्कत होती है कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार होता है। हमारे पीछे काफ़ी झगड़े हुए थे, हमारे जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनकी सेवा पर तत्पर रहते हैं, वो कस्टमर आकर हमारे कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करता है। तो हमारा DM साहब से एक ही अनुरोध है कि आप कृपया करके हर पंप पर कोई हमें फोर्स पुलिस लगाएं, जिससे कि हम आपको जो आपने हमारे ऊपर सुविधाओं के लिए कहा है, हम उस पर सुचारू रूप से आपको देते रहें। देहात का मामला भी हो, कस्टमर हर जगह एक सा ही नहीं है, कहीं समझ भी जाते हैं कि भी नहीं होता,
लेकिन बस यही है, हम जैसे वो देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही है कि हमारे कस्टमर्स के साथ काफ़ी बार हमारे साथ भी आकर अभद्रता व्यवहार कर देते हैं, वो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, हमारे पर भी उनकी DM साहब की कृपा रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा जो डीलर हैं अश्विनी शर्मा जी, उनको आप देख रहे थे, उनका साफ बयान आ चुका है। उनका साफ कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट एयर हो, RO मिनरल वाटर हो, टॉयलेट्स क्लीन हैं, यहाँ पर स्वीपर मौजूद है, हवा के लिए बंदा भी मौजूद है, और इसके अलावा आपको बता दूँ जो DM सर का आदेश है वो यहाँ पर पूरी तरह से लागू है। सर का एक ही कहना है कि यहाँ पर जो सेल्समैन के साथ बदतमीजी होती है, पब्लिक बदतमीजी करती है, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है, उसमें कमियाँ आए और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुहैया करा जाए, चाहे एक ही थाने से एक बंदा क्यों ना हो, सिपाही या कोई भी यहाँ पर आके खड़ा हो ताकि उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, आई सन7 न्यूज़। हेलो, मैं अश्विनी शर्मा, प्लक ऑयल कंपनी ओनर। मैं सभी भाइयों को गंगा स्नान की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, और गंगा स्नान पर कृपया करके बहुत सुविधा से वहाँ पर नहाएं और अपना जो गंगा स्नान का पर्व है वो अपने परिवार के साथ अच्छी तरह मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज़, मैं हूं अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हापुड़ के पिलखुआ के हर पेट्रोल पंप पे जाके कि किस तरह से DM सर ने आदेश जारी किया है, बिना हेलमेट के और सीट बेल्ट के किसी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा जो डीलर कस्टमर्स को मूलभूत सुविधाएं देते हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एयर होती है, RO मिनरल वाटर, टॉयलेट्स क्लीन होने चाहिए, स्वीपर मौजूद होना चाहिए, हवा के लिए बंदा अवेलेबल होना चाहिए, ये कई तरह की सुविधाएं हैं जिनमें कमियां देखने को मिल रही है, खामियां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते आज हम पहुंचे हैं त्यागी फ्यूल पॉइंट पे पहुंचे हैं, और जिसके डीलर हैं संजय त्यागी जी, और हमारे साथ जो मैनेजर मौजूद हैं नरेंद्र चौहान जी, यहाँ के मैनेजर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से वो DM सर के आदेश को अपने पंप पर लगा रहे हैं और जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो लोगों को किस तरह से वो दे रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैंने मेरे साहब से सवाल है, पहला सवाल है कि हवा को लेकर बहुत शिकायतें मिलती है, तो आपके यहाँ पर क्या स्थिति है? हमारे यहाँ पे भाई साहब कंप्यूटराइज मशीन लगी हुई है, एक लड़का रखा हुआ है वहीं पर, अगर कोई पेट्रोल भरवा रहा तब उसके लिए फ्री एयर है, पेट्रोल नहीं भरवा रहा फिर भी उसके लिए फ्री एयर है, सुविधा नाले सबको दी जाती है। हमारे यहाँ पर सवाल है RO वाटर को है, तो क्या जगह शिकायत मिलती है, फिल्टर खराब हो गए या पानी ठंडा नहीं है, आपके यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर लगा हुआ, हर 3 महीने में आके कंपनी का बंदा आएगा, उसके फिल्टर विल्टर सारे साफ करेगा, चेक करेगा, बिल्कुल शुद्ध और ठंडा पानी मिलेगा। हाँ, सबके लिए, आप कोई भी आओ उसे किसी कोई रोक टोक नहीं है, सबके लिए पानी की सुविधा। तीसरा मेरा सवाल है शौचालय को लेके, शौचालय साफ सुथरे होने चाहिए, सफाई कर्मचारी मौजूद होना चाहिए, आपके यहाँ? हमारे यहाँ पर लेडीज़ के अलग लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, दो दो टॉयलेट बने हुए हैं, साफ और क्लीन है, एक वो है कीपर, सफाई कीपर कर्मचारी, वो हमारे यहीं पर रहता है, शाम तक रहता है, साफ सफाई। सर, इसके अलावा जो मेरा आपको सवाल है, जब कस्टमर आता है पंप पे तो वो कहता है कि मुझे दिल की जांच करनी है, तो उसकी जांच होती है फिल्टर पेपर के द्वारा, तो आप कैसे कराते हैं? हमारे यहाँ पे फिल्टर पेपर है, डेंसिटी है डीजल के लिए, 5 लीटर का मैयर है, जिससे चाहे जिससे उसके कस्टमर की संतुष्टि हो, हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं। हाँ, जैसे सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो DM सर का आदेश है कि बिना हेलमेट के और सीट बेल्ट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो कैसे लागू कर रहे हैं अपने पंप पे आप? हमारे लिए बाहर बैनर लगा हुआ है, जो DM साहब के ऑर्डर हैं उसे लगा के बाहर लग रखा है, फिर भी कोई इमरजेंसी में आ जाओ, जैसे कोई मरीज है या कोई किसी का कोई ज़्यादा दिक्कत है, मजबूरी है, मजबूरी बता दो, उसके समझा के उसे प्यार समझाते हैं, उसके बाद में डाल देते हैं, फिर अगली बार वो बगैर हेलमेट के आता है तो उसे नहीं डालते। सारी सुविधा दी। तो यहाँ पर आपने देखा जो मैनेजर साहब, उनका बयान आ चुका है, उनका साफ कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर सारी दी जा रही हैं, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट एयर हो, RO वाटर हो, टॉयलेट्स क्लीन हो, हवा के लिए बंदा अवेलेबल है, इसके अलावा फिल्टर पेपर जांच, डेंसिटी जांच, टेलीफोन, फर्स्ट एड बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, सारी यहाँ पर सुविधा दी जा रही हैं, और इसके अलावा जो DM सर का आदेश है वो पूरी तरह से पंप पर लागू है, यहाँ पर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, ISN7 न्यूज़। नरेंद्र चौहान मैनेजर की तरफ से गंगा स्नान की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।